हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ कमल पांचाल और लॉजिक गुरु पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और विषय पर आपको अलग अलग क्वेश्चंस और वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो है नेशनल इनकम, जिसका पटवारी एग्जाम, पीएससी एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम्स में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि विमुद्रीकरण के बाद से ही हम विश्व भर में भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही है कि इसकी जीडीपी कितनी रहेगी। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय आय को हमने 6 अलग अलग कैटेगरी में विभक्त किया है, जिसमें से 3 कैटेगरी है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी। तो अगले 3 हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, व्यक्तिगत आय पीआई। तो शुरू करते हैं इनको बारी बारी से कि एक्चुअल में ये चीज होती क्या है। तो पहला है जीडीपी, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी या सकल घरेलू आय जीडीआई किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। तो दूसरा है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो देखते हैं एनडीपी क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से जब उत्पादन में लगी मशीनों और पूंजी की घिसावट अर्थात मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उसे शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जीडीपी में से उत्पादन में लगी मशीनों और पूंजी की घिसावट को घटाने पर हमें एनडीपी प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला हमने आपको नीचे दिया है। तो तीसरा है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी कहते हैं। में विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती हैं। तो दोस्तों, एक वर्ष में उत्पादित हमारे वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जिसमें विदेशी आय भी सम्मिलित होती है उसे जीएनपी कहते हैं, जिसका फार्मूला आपको नीचे दिया गया है। तो चौथा है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से जब उत्पादन में लगी मशीनों एवं पूंजी की घिसावट यानी कि मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी में से जब मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो उससे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी प्राप्त होता है, तो जिसका फॉर्मूला आपको नीचे दिया गया है। तो पांचवा है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय। जब कुल राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, यानी कि जब भी किसी देश की राष्ट्रीय आय में से प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करना होता है तो उसकी कुल जनसंख्या से उसे विभाजित कर देते हैं, जिसका फॉर्मूला हमने नीचे आपको दिया है। तो छठा है पीआई, पर्सनल इनकम यानी कि व्यक्तिगत आय। एक वर्ष में राष्ट्र की जनसंख्या को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय ही उसकी व्यक्तिगत आय होती है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, राष्ट्र की जनसंख्या को प्राप्त होने वाली वास्तविक आय ही व्यक्तिगत आय होती है, जिसका फार्मूला आप नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था राष्ट्रीय आय पर हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और अगर हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।